वेलकम गाइज, MPMK चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब्सक्राइब कीजिए MPMK चैनल को और पाइए मध्य प्रदेश नर्सिंग के A to Z जानकारी। सो गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभी काउंसलिंग हो रही है गवर्नमेंट PNST काउंसलिंग की है, तो इसमें आपका सिलेक्शन होगा श्योर है। जी हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है और आपके सभी सवाल के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपके कम नंबर है तब भी आपका सिलेक्शन होगा गाइज। तो चलिए वन बाय वन करके आपके जो सवाल थे उनको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके गाइज, तो चलिए वन बाय वन करके आप सभी लोगों के जो कमेंट थे उनका रिप्लाई हम यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि अधिकतर यही है कि सर हम काउंसलिंग करवा सकते हैं या फिर नहीं, हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। तो गाइज, सिलेक्शन सबका होगा, डोंट वरी। अगर आपके अच्छे खासे अंक है तो देख लेते। पहला कमेंट, सर मेरे 63 मार्क्स से SC कैटेगरी में काउंसलिंग करवाए या नहीं? करवा लो काउंसलिंग, 63 मार्क्स बहुत अच्छे मार्क्स है, आपको काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए। जिनके भी SC कैटेगरी में 63 मार्क्स यानी कि 63% बनाए, आप इजीली काउंसलिंग करवा सकते हो। ठीक है, अगला आरती जी का कमेंट है, सर EWS से काउंसलिंग करवाने पर रिजर्व्ड की रैंक ना लिखने के बल्कि कैटेगरी की रैंक दिखा रखी है, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखो, आपके पास एक होती है कैटेगरी रैंक और एक होती है ओवरऑल रैंक, तो दोनों में से कौन सी है? ठीक है, तो वो देखना पड़ता है इसमें। अगर आपकी रैंक अच्छी खासी है 138 यहाँ पर बोला है, तो अच्छी रैंक है, यहाँ तक आपका सिलेक्शन हो सकता है गाइज। ठीक है, और ये ऊपर जो कमेंट थे इनका तो श्योर सिलेक्शन है। अगला कमेंट, शिवानी, सर मेरे नंबर 58 आए हैं ST कैटेगरी में, सर सिलेक्शन हो सकता है? जी बिल्कुल, आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेज है, आपको काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए। 58 अंक बहुत ही अच्छे अंक है ST कैटेगरी में, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अगला कमेंट, सुरभि, आई गॉट 52.96, क्या मैं सिलेक्ट हो जाऊँगी? सर देखो, इन्होंने अपने नंबर तो यहाँ पर कमेंट कर दिए, बट इन्होंने अपने कैटेगरी कमेंट नहीं की, तो यहाँ पर बताना मुश्किल होगा कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं। ठीक है, अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तब तक को आप थोड़ा सा कंसिडर कर सकते हो। अगला कविता जी का कमेंट, सर NM की काउंसलिंग कब तक होगी? होने वाली है, हमने आपको पहले बता रखा है ना कि NM की काउंसलिंग होने वाली है, आपको थर्ड वीक तक ऑफ सितंबर तक वेट करना होगा। थर्ड वीक ऑफ सितंबर काउंसलिंग सबकी होगी, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है काउंसलिंग होगी बट डिले होगी। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि नहीं होगी, होगी काउंसलिंग। आशा प्रजापत, हेलो सर, 58.19 SC कैटेगरी से हूँ, तो मुझको कॉलेज मिल जाएगा क्या? बिल्कुल आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है, तो आपको काउंसलिंग अवश्य करवा लेनी चाहिए, 58 पे आपको कॉलेज मिल जाएगा, और जो अदर SC वाले उनको भी मिल जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग करवा लो। सरिता जी, सर मेरे 60 नंबर है और रैंक 327, क्या मुझे कॉलेज मिल जाएगा? देखो इनके, और इन्होंने कैटेगरी तो शायद यहाँ पर मेंशन नहीं की, तो यहाँ पर कैटेगरी कैसे हो गया? अगर आपके SC और ST कैटेगरी से है तब तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता, आपको कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा अगर SC ST से हो तो। अगर आप OBC जनरल से हो तो मुश्किल है। ठीक है, सुषमा जी का कमेंट है, सर मेरे मार्क्स 53 आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी SC कैटेगरी से 53, तो इनके भी काउंसलिंग इनको भी करवानी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि अगर अधिक नंबर वाला नहीं लेगा तो वो आपको मिलेगी। वैसे तो आपको पता है SC की कैटेगरी 55 के अभाव गई है ऑलमोस्ट, तो आपको काउंसलिंग अवश्य करवा लेनी चाहिए। अगला, सर अगर फर्स्ट काउंसलिंग नहीं करवा है तो क्या सेकेंड काउंसलिंग करवा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको फर्स्ट काउंसलिंग करवानी होगी, वही स्टूडेंट सेकेंड में करवा सकते हैं। तो ऐसा मत सोचना कि हम फर्स्ट काउंसलिंग नहीं करवाए, आपको फर्स्ट काउंसलिंग करवानी होगी तभी आप सेकंड काउंसलिंग करवा सकते हैं। ठीक है, स्वाति, सर हमारे 68.7 OBC रैंक इतनी है तो क्या हो जाएगा क्या? बिल्कुल, यहाँ पर आपके चांसेज है, आपके नंबर अच्छी है और रैंक भी अच्छी है, तो आपके यहाँ पर होने के चांसेज बहुत ज़्यादा है। अगला कमेंट, निकिता जी, सर SC कैटेगरी में 63 मार्क्स से सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल, आपके तो अच्छे नंबर है, आपका तो सिलेक्शन श्योर है, बट वीडियो को लाइक करते रहना गाइज, सिलेक्शन तो सबको हो जाएगा, यहाँ पर जितनों भी कमेंट कर रहे हैं ना, सिलेक्शन सबका होगा। सर मेरे 50 नंबर है OBC से, क्या मुझे काउंसलिंग करवा सकते हो? आप काउंसलिंग करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है,
ओके गाइज, अगला कमेंट है, सर मेरे 56.56 नंबर है ST कैटेगरी में, बिल्कुल हो जाएगा, आपके नंबर है अच्छे, आपका भी हो जाएगा, अधिकतर जो कमेंट कर रहे हैं सबका हो जाएगा। सर मेरे मार्क्स 57 है, मेरा सिलेक्शन होगा क्या ST कैटेगरी में? जी हाँ बिल्कुल, ST की तो कट ऑफ भी बहुत कम बताई थी हमने, तो हो जाएगा, डोंट वरी, आपको भी काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए। मोनिका सेन, सर मेरे 54 नंबर है OBC कैटेगरी में, काउंसलिंग करवानी चाहिए क्या? जी हाँ बिल्कुल, आपको काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए, और आप काउंसलिंग करवा भी सकते हो, बट यहाँ पर आपके कॉलेज मिलने के चांसेज ना मात्र है। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि OBC की कट ऑफ 65 के अराउंड है और आपके नंबर बहुत ही लो है, तो आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अगला कमेंट, दीक्षा, सर मेरे 62.8 मार्क्स से OBC से, तो काउंसलिंग करवाना चाहिए या फिर नहीं? देखो रिस्क खुद के ऊपर है, आपके पास 300 रुपये की रिस्क है, तो आप काउंसलिंग करवा सकते हो, ताकि आपको भी यकीन हो जाएगा कि हमको कॉलेज मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि अभी जो कट ऑफ है वो तो 65 पे, बट यहाँ पर अगर अधिक अंक वाले कॉलेज को नहीं लेते तो फिर वो 62 वालों को भी, वो 63 वालों को मिल जाती है, तो ये रिस्क आपको खुद को लेनी होगी। ठीक है, काउंसलिंग आप करवा सकते हो। अगला, सर कैटेगरी रैंक बताए या ओवरऑल रैंक? देखो कैटेगरी रैंक बताओगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है ना, तो कैटेगरी रैंक आपको बतानी है, और अगर आपके नंबर है उस हिसाब से भी हम अंदाज़ा लगा लेंगे। नेक्स्ट सोनम, सर मेरे 55 प्लस है OBC में, तो मेरा होगा क्या सिलेक्शन? बहुत ही नामात्र आपके चांसेज है यहाँ पर सिलेक्शन होने के, तो आपका मुश्किल, बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगला, प्रियंका, हमारे पास DHS से मैसेज आया था कॉलेज की काउंसलिंग के लिए, क्या करवाना चाहिए? मेरे नंबर 53 है, कैटेगरी कौन सी बताई इन्होंने? कैटेगरी को देख के, तो यहाँ पर कैटेगरी शायद इन्होंने मेंशन नहीं की, तो गाइस कैटेगरी कमेंट कीजिए प्रियंका जी। ठीक है, अगर आप ST और SC से बिलोंग करते हो तब तो आपके चांसेज हैं यहाँ पे। महिमा जी का कमेंट, सर मेरे 55.66 है SC में, तो क्या होगा? बिल्कुल आपको करवा लेनी चाहिए, आपकी कैटेगरी के एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आरती जी का कमेंट, 4.49 SC, PB रैंक इतनी, तो मेरिट रैंक थोड़ा मुश्किल है गाइस, यहाँ मुश्किल, ठीक है, मुश्किल है बहुत ही। आरती जी कुशवा, 714 OBC रैंक, इनके चांसेस बन रहे गाइस यहाँ पे, ठीक है, चांसेस बन रहे, इनको काउंसलिंग करवानी चाहिए आरती जी कुशवा को। ओके, साक्षी प्रजापत, सर मैं OBC की हूँ, मेरे 49 है, सिलेक्शन हो गया क्या? नहीं, ठीक है, नहीं, क्योंकि OBC कट ऑफ अराउंड 65 का अराउंड है। अगला कमेंट, नॉमन, सर 58.7 EWS से, तो सिलेक्शन हो सकता है क्या? EWS चांसेस है थोड़ा सा, क्योंकि 60 का राउंड है, तो करवा लेनी चाहिए काउंसलिंग। रानी, सर मेरे 52 है SC कैटेगरी से, तो देखो SC कैटेगरी वालों को तो करवा लेनी चाहिए काउंसलिंग। अगला कमेंट, सर मैं EWS रैंक 474 यानी कि 474 50 से क्या मैं सिलेक्शन? तो इनके भी मुश्किल है, क्योंकि इनके भी AWS में 60 राउंड कट ऑफ गई है। सर मेरी SC रैंक 116 है, जबलपुर कॉलेज मिल जाएगा क्या? तो रैंक तो देखो इनकी ठीक है, बट आपकी जो परसेंटेज है उसके बेसिस पे, और अगर वहाँ पर सीट वैकेंट होगी तो आपको मिल जाएगी, बट फर्स्ट प्रायोरिटी जिनके रैंक अच्छे हैं उनको ही मिलेगी। ठीक है, रीना जी, सर मेरे 50.32 काउंसलिंग करवानी चाहिए क्या? कैटेगरी इन्होंने भी मेंशन नहीं की, कृपया कैटेगरी अवश्य कमेंट करें गाइस। सर मेरा रैंक इतना ज़्यादा पे तो नहीं होगा, ये तो रैंक ही बहुत हाई गया। ठीक है, अगला कमेंट, 48, इनका भी नहीं होगा, ST में भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मिनिमम 50% तो होनी चाहिए कोई सी कैटेगरी हो। अगला, सर मेरे 44, सर मेरे 44 है और OBC रैंक इतनी है, तो इनका भी देखो OBC में मुश्किल है थोड़ा। ठीक है, अगला, सर मेरे 54 है SC में, इनका चांसेस है SC कैटेगरी में। ठीक है, और डॉक्टर पूजा, सर मेरे 57 OBC से, तो इनका भी थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, सीमा सेन 64 OBC से, इनका चांसेज है, तो सीमा सेन आपको करवा लेनी चाहिए काउंसलिंग। कमेंट बहुत सारे हमारे पास, सर मेरे 58 आए OBC से, तो आपका भी थोड़ा मुश्किल है। अगला कमेंट,
कुशनुमा सर, ऑटोनोमस कॉलेज गवर्नमेंट में ही आती है क्या? नहीं, वो ऑटोनोमस अलग है और ये गवर्नमेंट है, ठीक है सर। मेरे राधिकास यादव सर, मेरे 56 आए हैं ओबीसी में, तो आपका भी मुश्किल है, ठीक है। योगिता सर, मेरे 59 आए हैं, इन्होंने भी कमेंट नहीं किया। योगिता जी, आप अपनी कैटेगरी कमेंट कीजिए। सुरभि सर, मेरे एससी रैंक 64 है और मार्किंग 77 है, क्या मुझे उज्जैन को मिल जाएगा? डोंट वरी, आपके अच्छी रैंक है, अच्छे नंबर है, आपको मिल जाएगा। गरिमा जी सर, मेरे 84 है ओबीसी से, वेरी गुड, आपका भी सिलेक्शन है, ठीक है। सिलेक्ट जिनके, सिंपल सी बात है, जिनके जनरल कैटेगरी में 70 से अबाव है उनको काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए, जिनके ओबीसी में 65 के अबाव है उनको भी काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए, जिनके एससी और एसटी में 55 या फिर 50 के अबाव है तो उनको काउंसलिंग करवा लेनी चाहिए, ठीक है। तो सभी को कॉलेज मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। और अभी बहुत सारे कमेंट रह गए तो इनको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे, बट आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ठीक है, और कमेंट करो ताकि हम इस प्रकार वीडियो बना के आपके सामने पेश कर दें। कोई भी डाउट हो तो हम आपके साथ है गाइज़।